नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जन्नत एकेडमी पावर्ड बाई चाणक्य ऑनलाइन स्टडी। और आज हम बात कर रहे हैं किरण मैथमेटिक्स 11500। तो किरण मैथ्स 11500 ये SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC कैलेंडर जारी हो चुका है 2024 का। सारे एग्जाम लगातार लाइन से हैं, वीडियो मैंने आपको बना दी थी और उसमें सितंबर के अक्टूबर के आसपास आपका SSC का पेपर है फ्री का, यानी पूरी साल आपको MTS से लेकर आपका CGL तक के सारे क्वेश्चन 2024 में पेपर लगातार लगे हुए हैं। और ये बुक है आपकी SSC के लिए समर्पित, किरण मैथमेटिक्स 11500। तो इसमें SSC के जो डिफरेंट एग्जाम्स हैं, MTS है, +2 है, CGL है, उसमें आने वाले मैथमेटिक्स का कलेक्शन है, ये सभी लोग जानते हैं। और ये टाइटल है इसका 11500, यानी कि 11500 इसमें क्वेश्चन है जो कि 2011 से 2022 तक के सारे पेपर का कलेक्शन आपको मिलता है। तो अगर आप तैयारी SSC के लिए कर रहे हैं या किसी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद आवश्यक भी हो जाता है कि आप इस बुक को एक बार पढ़ लें, कंप्लीट कर लें। क्योंकि इसको लगाने से क्या होगा, SSC में तो बहुत सारे क्वेश्चन की रेंज क्या होती है कि प्रीवियस ईयर से मैच होते हैं, कंसेप्ट मैच हो जाते हैं, तो वो आपको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा अगर स्टेट में आप जाते हैं तो SSC में जो क्वेश्चन आते हैं ना, धीमे धीमे वो अन्य डिपार्टमेंट, अन्य आयोग, कमीशन उसको लेने लगते हैं, तो वहां से भी आपको फायदा उसका मिल जाता है। तो ये बुक तो आपको किसी नजदीकी स्टोर में मिल ही जाएगी। अब बात यह है कि इस बुक में आने वाले जो क्वेश्चन है उनको हम ट्रिकी वे में कैसे सॉल्व करें, उसके लिए आना है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहां से आप इस किरण कोर्स को परचेज कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस पूरी किरण की सीरीज में। इस पूरी किरण में हम कंप्लीट बुक को सॉल्व कराएंगे, सारे चैप्टर कराएंगे, और जिस दिन से आप परचेज करेंगे उससे 1 साल तक की वैलिडिटी होगी। यानी अभी भी आप परचेज करते हैं तो 2024 का CGL जो है वहां तक हम टारगेट कर सकते हैं सारी चीजों को, ठीक है। चलिए तो टॉपिक हमारा क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है टेक्नोमेट्री, और टेक्नोमेट्री में 5-6 क्लास हो चुकी है। आज हमारा क्वेश्चन है टाइप नंबर 2 का 49 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो टाइप 2 क्वेश्चन नंबर है, टाइप नंबर 2 क्वेश्चन 49, यहां से बात चलेगी। तो लास्ट क्लास हमारी जो भी हुई थी वो यहां तक हुई थी, आज हम बात करते हैं इससे आगे। चलिए तो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आज का, सेक साइन वगैरह, तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं, इसमें लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर। सेक स्क्वायर तो बाहर कॉमन है ही, सेक थीटा, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस इंटू कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस के 2 tan स्क्वायर थीटा। चलिए अब सेक थीटा है ही, इसको ओपन करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस के 2 tan स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाने वाली है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 ये 2, तो 1 ये है और 1 ये है, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 कॉमन ले लो, यानी sec थीटा 2, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस के 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, ये कैंसिल, ठीक है। अच्छा, कॉस ऊपर जाएगा, सेक बनेगा 2 इंटू सेक, और ये भी कॉस ऊपर सेक ही बनेगा, तो अभी हो जाने वाला है 2 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन ले लीजिए, और sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, sec माइनस 10 स्क्वायर जब करेंगे उसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर होगा 2 एकम 2, यानी कि 3, थर्ड वाला यानी सी हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन यहां से देखिए, ये x cos थीटा माइनस y sin थीटा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर 2, x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर 4। तो थीटा के निराकरण में क्या मिलेगा, क्या चीज सॉल्व होगी, तो आपको याद हो अगर मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, a sin थीटा प्लस b
चाहे तो अब आप नोट कर लें, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर मान लो सी है, ठीक है। अच्छा साइन के संग कौन जुड़ा हुआ है अभी, ए साइन के संग ए जुड़ा है, तो अगर साइन के संग ए है ना, अब ये ए साइन के संग नहीं होगा कॉस के संग होगा, यानी ए कॉस थीटा प्लस की जगह माइनस बी साइन थीटा बराबर अगर डी है, तो इनमें रिलेशन होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इनके बीच में रिलेशन बनेगा, इनके बीच में ये रिलेशन बनेगा। अच्छा अगर डी की वैल्यू चाहिए, तो डी की वैल्यू चाहिए तो सी को इधर लेके आओगे, तो इसे सॉल्व अगर आप और आगे फर्दर करते हो तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अगर हम आगे डी की वैल्यू निकालें तो डी बराबर क्या होगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्म तो मैंने आपको लिखाई थी पहले भी, ठीक है, कि अगर पॉजिटिव का पेयर ये है तो नेगेटिव पेयर किसके बराबर होगा, नेगेटिव पेयर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो उससे पिछले का स्टेप ये होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तभी तो डी की वैल्यू निकालेंगे ना, तो सी को इधर ले जाएंगे माइनस सी स्क्वायर होगा, स्क्वायर के लिए रूट लगाना पड़ेगा, तो डी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अभी इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 4 20, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा पहला वाला इस आधार पे, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत है परेशानी है तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर डी, मान लीजिए स्टेप है, दोनों साइड का होल स्क्वायर कीजिए, ठीक है। दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करिएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। इस वाले का भी स्क्वायर कीजिए, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर डी स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, तो ये आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस के हैं, इनसे ए स्क्वायर कॉमन लो तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस प्लस यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लो तो बचेगा वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इस बात को याद रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से बेसिक बात हो गई, इस तरह से याद रख सकते हैं, या फिर मैंने ऐसे बताया था कि इसकी वैल्यू अगर सी है तो पॉजिटिव की, तो नेगेटिव की वैल्यू कितनी होगी बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो कहाँ से निकला, वो यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। तो ये टाइप है, याद रखिएगा, आवश्यकता पड़ेगी, बेसिक मैंने आपको बता दिया। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, तो इसे लिख लेते हैं पहले, कॉस कॉस स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कोसेक कोसेक स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन सेक स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। और साथ में क्या है, इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, ये हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसकी वैल्यू क्या होगी के लिए या तो इसमें एलसीएम ले ले हम सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो ये है कोसेक, ठीक है, तो इन दोनों को ऊपर पहुंचाएंगे हम, किन दोनों को, एक कोसेक को ऊपर पहुंचाओगे कौन बनेगा साइन, सेक को ऊपर पहुंचाओ कौन बनेगा कॉस, तो कुल मिलाकर के कोसेक को ऊपर पहुंचाओ बनेगा साइन, साइन कॉस, सेक को पहुंचाओ कॉस साइन कॉस, तो ये भी साइन कॉस ये भी साइन कॉस, यानी यहाँ होगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए,
ठीक है, इनटू साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, प्लस यहाँ भी वही हो जाएगा साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये सेक पहुंचेगा ना कॉस बन जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा आप पे क्या, यही साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड साइन ए प्लस कॉस ए, तो एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है, इंटू इसको सेक सेक को लिख देते वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों में ही है, तो जाहिर सी बात है कॉमन तो आएगा ही, निकाल देते हैं बाहर से, ठीक है, बचेगा सिर्फ इतना अंदर पार्ट, यानी कि ये पार्ट बचा आपका, ठीक है, प्लस ये पार्ट बचा आपका, ये लीजिए, ठीक है, इंटू दोनों में कॉमन कौन है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो इंटू यहां पे है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इंटू इसमें एलसीएम ले लो, यहां से एलसीएम लोगे तो क्या होगा, यहां से एलसीएम लोगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड में साइन ए स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, जो कि आपस में कट जाएगा, ठीक है, इसमें एलसीएम लो तो ये हो गया साइन थीटा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइड में ए प्लस बी माइनस बी, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, इंटू इंटू में भी तो ये बचा, इंटू में ही यही बचा आपका, जो पार्ट यहाँ है यही पार्ट आपके इंटू में यहाँ बचा हुआ है ऊपर, ठीक है, जिससे कि आपस में क्या होगा ये भी कटेगा, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास, अब ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉ स्क्वायर ए, यानी आंसर होगा टू ये, ठीक है, तो इसका आंसर कौन होगा, टू होगा, सिंपल कैलकुलेशन आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वन माइनस वन अपॉन कॉट माइनस थीटा, कॉट थीटा माइनस कोसेक माइनस कॉट माइनस के वन अपॉन साइन। तो आप एक बात बताइए, हमने तीन फॉर्मूले नोट किए थे अगर याद हो तो, बार बार हम लोग नोट करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉ स्क्वायर थीटा बराबर वन, एक तो ये था, एक हमने याद किया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, एक हमने याद किया था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो ये तीन फॉर्मूले साथ साथ चलते हैं, ठीक है, तो इन तीनों में से हम लोग यूज करेंगे कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक माइनस कॉट को, वजह नीचे कोसेक माइनस कॉट दिया है, ठीक है, तो क्या इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहां से अगर हम बात करें कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये बताओ, इस नेगेटिव वाले पेयर को वन के नीचे ले जाएं, अगर ये जो नेगेटिव वाला पेयर है इसको नीचे ले जाएं किसके, वन के, तो अब जो पॉजिटिव वाले पेयर की वैल्यू क्या बचेगी, वन अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और वही तो है वन अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो वन अपॉन कोसेक माइनस कॉट बराबर क्या, कोसेक प्लस कॉट, तो पहला पार्ट जो है ना वो हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अच्छा, वन अपॉन साइन तो माइनस का वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक से कट गया कोसेक, आंसर होगा कॉट थीटा, ठीक है, तो आंसर है कॉट थीटा। अगला क्वेश्चन, टेन थीटा बराबर एन टेन बीटा साइन थीटा बराबर एम साइन बीटा, तो पूछा कॉ स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो देखिए टेन अल्फा बराबर एन टेन बीटा और साइन अल्फा बराबर एम साइन बीटा, ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे, पूछा है कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका मान किसके बराबर होगा, ये चीज आपसे पूछी जा रही है, ठीक है,
तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, या तो सॉल्व भी कर सकते हैं या एक काम कर सकते हैं, ये अल्फा बीटा पर बेस्ड है तो इसमें अल्फा बीटा की कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दो, इसे इस इक्वेशन को अल्फा बीटा की कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दो, उससे क्या होगा, साइन और कॉस मतलब ट्रिग्नोमेट्री की जगह क्वेश्चन एलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, देखो अल्फा बीटा की कोई वैल्यू, बस ऐसी वैल्यू मत देना जिससे जीरो या इनफाइनाइट हो, दिक्कत आती है जीरो इनफाइनाइट से, तो ऐसी कोई वैल्यू चेंज करते हैं, टेन अल्फा टेन बीटा, तो 30-60 दे दो, कोई भी दे सकते हैं, तो मान लेते हैं अपने मन से अल्फा बराबर 30 और बीटा बराबर 60 माना के, ठीक है चेक करो, तो 10 30 1/√3 बराबर एन, 10 60 √3, तो इसका सब मल्टीप्लाई करो तो n बराबर हो गया 1/3, n की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसमें देखो अल्फा बराबर 30 साइन 30 1/2 बराबर m इंटू साइन बीटा, बीटा कितना 60, साइन 60 √3/2, 2 से 2 कटा, m बराबर 1/√3, तो हमने m और n की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब पूछा क्या है, cos स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 30, तो अल्फा की वैल्यू 30 या 30 रख दो, तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 यानी sin 60 यानी √3/2 यानी 3/4, मतलब मुझे 3/4 आंसर चाहिए। अब इन चारों ऑप्शन में से जो 3/4 दे देगा वही हमारा आंसर, बारी बारी चेक करो, ए को चेक करो पहले को, पहला कौन है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, तो एम स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो 1/3 डिवाइड एन स्क्वायर मतलब 1/9 प्लस 1, तो होगा 1/3 और ये 9 × 9 10/9, 10/9 तो कुछ नहीं, ये ऊपर पहुंचेगा, ये इधर पहुंचेगा, 3 से 3 तीन बार कट गया, 3/10 और हमें चाहिए कितना 3/4, ये नहीं आंसर। दूसरे वाले को चेक करो, दूसरा कौन है एम स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, एम स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, एम स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 1/3 डिवाइड एन स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 1/9, इसे चेक करोगे तो कितना आएगा आंसर 3 3, तो ये भी नहीं है क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें तो 3/4 चाहिए, दोनों कैंसिल। तीसरे को चेक कर लो, तीसरा कौन है, देखो तीसरा है एम स्क्वायर माइनस 1/n² - 1, तो एम स्क्वायर की वैल्यू यानी 1/3, 1/3 माइनस 1 और ये 1/9 माइनस 1, तो 3 × 3 3 में से गया तो माइनस के 2/3 डिवाइड 9 × 9 से गया माइनस के 8/9, इसे काटो माइनस से माइनस कटा 3 से 3 बार 4 बार 3/4 सही है, यही तो हम चाहते थे, यानी आंसर कौन होगा हमारा, थर्ड वाला आंसर है यानी कि सी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो हमने चेक की थीटा पे आके 30, अल्फा को 30 मान रहे हैं क्योंकि अल्फा हमने पहले से 30 मान के चले हैं, 3/4 और ये दे रहा है आपको 3/4, यानी कि यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा दो ऑप्शन आगे मिलेंगे इसके, तो अगर ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा, सबसे पहले कुछ बातें याद रखिए, पहली बात याद रखिएगा कि कॉस में दे दे या साइन में दे दे उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर साइन में लिखते हैं साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, तो ये बराबर किसके होगा, अगर हम बात करें तो ये बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर इसके होगा, और कॉस को आगे कर दें तो वहां भी कॉस हो जाएगा, एक ही बात है, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कैसे होगा चेक करिए, देखो कॉस की पावर 4 थीटा तो ये है कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं हम क्या, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब आप ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 होने की वजह से इसका कोई मतलब नहीं जाता, सिर्फ यही तो बचेगा, यानी कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर निकलेगी फाइनली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो मतलब ये वाले पार्ट इसके बराबर है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, पहली बात तो ये हो गई कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। चलो दूसरी बात पे आ जाते हैं, अच्छा दूसरा पूछा किसके बारे में आपसे,
पूछा है आपसे किसके बारे में, इसके बारे में, 1 - 2 sin² थीटा, 1 - 2, तो ये दो बातें तो हमने यहाँ समझ ली, आवश्यकता पड़ेगी तो यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा 1 - 2 sin² थीटा, एक बार बताओ, देखो हमने लिखा sin² थीटा माइनस cos² थीटा, ठीक है, या cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ठीक है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी cos का दे रखा है तो ये हो गया cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ठीक। तो देखो cos² माइनस sin² हमें चाहिए साइन में, इस cos की जगह क्या लिख सकते हैं, cos के लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा माइनस sin² थीटा, ठीक है। तो क्या होगा sin² 1 - 2 sin² थीटा, ठीक है, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है, ठीक। तो फाइनली अब मैं आपसे अगर ये कहूं इस सवाल के रेस्पेक्ट में, क्या कि cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा, ये बराबर होगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और ये वाली वैल्यू बराबर होगी 1 - 2 sin² थीटा, और ये बराबर होगी 2/3 के, क्योंकि ये सब तो 2/3 के बराबर होंगे ना, तो आंसर 2/3 ही आएगा, क्योंकि जब ये 2/3 के बराबर है तो ये भी 2/3 के बराबर है, ये भी 2/3 के बराबर है, तो वही पूछा है, तो ये दोनों बराबर वैल्यू है तो 2/3 ही होगा आंसर, ठीक है। इसलिए आंसर कौन होगा 2/3। अगला क्वेश्चन, ये पूछा ये किसके बराबर होगा। अच्छा आंसर में कोई टेन कॉट वर्ड तो आने था, सीधे नंबर आ रहे हैं, तो थीटा की कोई वैल्यू डाल दो, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा की कोई वैल्यू, थीटा को 45 कर देते हैं, आसान पड़ेगा, थीटा को क्या कर दो 45, तो थीटा कर देते हैं 45। ऐसी वैल्यू मत डालना जिससे जीरो या इन्फिनेट हो, क्योंकि जीरो इन्फिनेट दिक्कत ही देगा अगर फ्रैक्शन में है तो। हाँ फ्रैक्शन में ना होता तो शायद हम लोग और अच्छा करते, लेकिन फ्रैक्शन में है तो दिक्कत देगा, तो इसलिए हम 45 थीटा करते हैं। तो ये क्या हो गया 1/1 + 1 + 1/1, यानी ये हो गया 1/2 + 1/2, आंसर 2/2, मतलब कि 1, ठीक है। तो आंसर कौन होगा 1 होगा। ये दिया आपको cosec theta माइनस cot theta बराबर 7/2। तो कोसेक थीटा कॉस थीटा का 7/2 है, पूछा कोसेक का मान, तो आपको मैंने बताया था ना अभी, अभी भी बताया था कोसेक कॉट के बारे में, ये आ गया, ये देखो कोसेक कॉट, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव की वैल्यू को नीचे लेके जाऊंगा 1 के तो नेगेटिव की आएगी, और नेगेटिव वाली को नीचे ले जाऊंगा तो पॉजिटिव की आएगी, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी का कंसेप्ट बनेगा, बराबर आएगा 1। अगर नेगेटिव को नीचे ले जाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव की वैल्यू को नीचे ले जाऊंगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसलिए नेगेटिव पेयर मालूम है तो पॉजिटिव पेयर कितना होगा 2/7, दोनों को जोड़ दो, कॉट से कॉट कट गया 2 cosec theta बराबर, इन दोनों को जोड़ो 7/2 + 2/7, 49 और 4 53, 53/7 = 14, तो 2 को नीचे ले जाओ तो यहां से आएगा cosec थीटा बराबर 53/28, तो आंसर होगा आपका 3rd यानी कि सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये बोला 2, देखो 2 cosec² 23 गुणा 2/67 माइनस के sin² 23 माइनस के sin² 67 माइनस के cot² 67, ये पूछा है किसके बराबर होगा, ठीक है। तो किसके बराबर होगा के लिए चेक करते हैं, देखो आपको याद हो अगर मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि अगर मैंने बताया था अगर अगर a प्लस बी 90 हो, याद हो तो मैंने कहा था sin² a + sin² b बराबर 1 होता है, और cos² a + cos² b 1 होगा, ये मैंने शुरुआत की 2-3 क्लास की उसमें बताया था। तो इस आधार पे एक चीज समझ में आ रही है, 23 और 67 90 ही होगा ना, 23 और 67 कितना होगा 90, तो ये वाला पार्ट -1 हो जाएगा,
3790 माइनस माइनस के तो ही माइनस कॉमन ले लो, तो ये पार्ट कितना हो गया माइनस वन, तो ये पार्ट तो क्लियर है ना। अच्छा अब इधर आ जाओ, देखो ये 67 है, ये 67 है, ये 23 है, इसे भी 67 कर लो तो एक सा थीटा हो जाएगा, ये तो माइनस वन में समेट ही गया, तो इसे 67 करते हैं, इसे घटाओ 90 से, इस वाले पार्ट को इससे घटाओगे 90 से, तो 2 इसे 90 से घटाएंगे ना, तो सेक का क्या होगा, सेक सेक स्क्वायर 67 इंटू ये है कॉट स्क्वायर 67, ठीक है, माइनस वन माइनस के कॉट, तो माइनस के वन और माइनस के कॉट स्क्वायर 67, अब कम से कम सब चीजें 67 पे हो गई। अच्छा अब देखो 2 इंटू सेक का होता क्या, 1/2 कॉट स्क्वायर 67, कॉट स्क्वायर 67/ साइन स्क्वायर 67, ठीक है, माइनस वन और माइनस, तो इस माइनस वन को पीछे से आगे लो, माइनस के कॉट स्क्वायर 67 और माइनस के वन, अब क्या होगा, ये तो कैंसिल, इसको ऊपर ले जाओ साइन को जाओ, तो क्या होगा कोसेक 2 कोसेक कोसेक स्क्वायर 67 माइनस के कॉट स्क्वायर 67 माइनस वन, इसमें 2 कोसेक है ना, एक रखो आगे कोसेक स्क्वायर 67 प्लस कोसेक स्क्वायर 67 और माइनस के कॉट स्क्वायर 67 माइनस वन, अब क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया, ये का फॉर्मूला बन गया ना, कोसेक माइनस कॉट अभी लिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो ये वाला पार्ट किसके बराबर है 1 के, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल ही हो जाएगा आपस में, ठीक है, तो अब ये कोसेक स्क्वायर 67 प्लस के 1 माइनस 1 कट जाएगा आपस में, तो बचेगा सिर्फ कोसेक 67, तो आंसर होगा हमारा कोसेक स्क्वायर 67। अब कोसेक स्क्वायर 67 किसके बराबर होगा, सेक 23 के होगा, क्योंकि 90 से घटाएंगे ना इसको, तो कितना हो जाएगा ये सेक स्क्वायर 23, ऐसे भी काम चल जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो गया सेक 23, या तो इस तरह भी कर सकते हैं एक तरीका। दूसरा इसमें एक और चीज हो सकती है, सवाल में एक चीज ये हो सकती है, इसमें 2 थीटा आ रहे हैं, आप जानते हैं जैसे कोई त्रिभुज है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल में एक तो 90 डिग्री एंगल है ही, ट्रिग्नोमेट्री के रेस्पेक्ट में चलेंगे तो एक तो 90 है ही, बाकी बचे 2, ये है ए और ये है बी, ठीक है, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 90 होगी, मतलब जोड़ के दोनों 90 होने वाले हैं, ठीक है, तो एक त्रिभुज के अंदर की बात है 90 हो रहा है। अच्छा अब इसमें देखें 2 एंगल यूज हो रहे हैं, 23 और 67, 23 प्लस 67 बराबर 90, तो दोनों एंगल जोड़ कितने हो रहे हैं 90। अच्छा पूछा है आंसर क्या होगा, तो आप एक ये कर सकते हैं अपने मन से कोई 2 वैल्यू फिट करें जो 90 हो जाए, लेकिन ये 23 और 67 से क्या है हमें इनकी वैल्यू याद नहीं है, तो ऐसी वैल्यू फिट कर दें जो जोड़ के 90 हो जाए और हमें याद भी हो, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है, तो अपने मन से हम चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। चलो इसे 30 कर लो, इसे 60 कर लो, इसका फायदा ये है कम से कम 30 60 हमें याद तो है, तो इसको 30 कर लो, इसे 60 कर लो, दोनों जोड़ के फिर भी 90 हो रहे हैं, ठीक है, अब 23 को 30 और 67 को 60 करके देखो चलो, तो या 45 45 कर लो, 45 45 कर लो और आसान पड़ेगा, 45 प्लस 45 तब भी 90 ही होगा, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 30 60 पे दिक्कत नहीं, 45 कर लो, चलो 2 2 इंटू 45, ठीक है, कुछ है 45 √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 ही होगा, इंटू cot 45 cot 45 तो 1 ही होता है स्क्वायर में भी, 1 माइनस के sin 45 का स्क्वायर 1/2 माइनस के फिर sin 45 का स्क्वायर मतलब 1/2 माइनस के cot 45 करोगे तो स्क्वायर में 1 होगा, ठीक है, तो दूनी 4 माइनस के आधा आधा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 मतलब आंसर कौन होगा 2 होगा। अब ये देखो 2 कौन देगा, ये तो 2 नहीं है और ये भी 2 नहीं है, 10 45 2 देगा नहीं, sec² 45 देगा हाँ देगा, तो sec 45 कितना होता है √2 √2 का स्क्वायर करो 2 ही होगा, तो ऐसे आंसर 2 टिक कर सकते हैं, ऐसा भी कोई आप वैल्यू फिट कर सकते हैं, काम चल जाता है, ठीक है। अगला ये 10² अल्फा बराबर 1 प्लस 2 10² बीटा, अब ये बैलेंस दे रखा है एक इक्वेशन, पूछा किसके बारे में, पूछा है आपसे √2 cos α - cos β किसके बराबर होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे, या तो आप ऐसा करो थीटा अल्फा और बीटा की
कोई ऐसी वैल्यू रख सको अल्फा बीटा की, कोई ऐसी वैल्यू रख सको जिससे इक्वेशन बैलेंस हो जाए अगर, क्योंकि दोनों न्यून कोण ही तो हैं, न्यून कोण है, और आपके वो कोण हुए जो हमें याद है, मतलब 0, 30, 45, 60, 90, उनमें से कोई वैल्यू रखने से अगर हमारा काम हो जाता है तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा सॉल्व होगा। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू रख पाए अगर, देखो सोचो 0, 1 ऐसा कर सकते हैं हम, इसे इसे तो कर देते हैं हम लोग 45। ठीक है, बीटा कर दो आप 0। ठीक है, तो 10² 45 कितना होता है, 1 बराबर 1 प्लस के 2, 10 0 पे कितना होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, 1 बराबर 1। क्या इक्वेशन बैलेंस हुई, एल एच एस बराबर आर एच एस हुआ, हुआ कब हुआ, जब एल्फा रखा 45, बीटा रखा 0, इन दोनों वैल्यू को उठा के वहां डाल दो वापस से, यानी एल्फा रखना है 45 और बीटा रखना है 0, तो अल्फा 45 रखोगे ना, तो रूट दो गुणा 45 पे कितना होगा, 1/√2 माइनस cos 0, cos 0 तो 1 ही होता है ना, इससे काटो 1 - 1 0 होना चाहिए, मतलब आंसर ए फर्स्ट। तो ऐसा कर सकते हैं, कोई वैल्यू अगर आपकी रेंज में है, याद की हुई वैल्यू है, और वो इक्वेशन को बैलेंस भी कर देती है, ठीक है, तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा रिसॉल्व होना ही था। तो यहाँ अगर ऐसी कोई वैल्यू याद आ जाती है तो काम हो जाने वाला है। इसका अधिकतम मान 1 मैंने बताया था आपको, साइन की पावर 2m थीटा प्लस कॉस की पावर 2n थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, 2m 2n मतलब इवन पावर हो, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू थीटा 45 पे जो आए, थीटा बराबर 45 पर जो आया वो होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम पूछिए एक ही होगी, पहले कर चुके हैं हम इस बात को। ठीक है, अगला तीन साइन थीटा प्लस 5, 3 sin थीटा प्लस के 5 cos थीटा बराबर 5, 5 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा बराबर क्या, x। तो मैंने अभी क्या बताया था आपको याद हो, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x, कभी 3 5 5 3 दोनों के कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं ना आपस में, तो अभी फॉर्मूला लिखाया था वही फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया आपस में, x² बराबर 9 x बराबर √9, √9 का मतलब ±3। ठीक है, तो आंसर कौन होगा, 1, जो अभी हमने फॉर्मूला एक नोट किया था वही वाली चीज है। दिया गया है कि cos x + cos²x अगर ये 1 है, ठीक है, तो पूछा है इसका मान किसके बराबर होगा। ठीक है, क्या है ये चीज, तो ये चीज है sin²(12x+3)/(10x+3)/(8x) और +(sin²)(6x-1। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो आपका पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है कि sin²(x+sin²)(4x), इस पूरे की पावर 3 है और -1। तो बेसिकली अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको sin²(x+sin²)(4x) की वैल्यू मिल जाए, इसकी जैसी वैल्यू मिली आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, और याद रखना ये क्या है, पावर 3 है इसकी, इसकी भी 4 की पावर 3 4 3 12 है, 2 की पावर 3 2 3 6, 3a² भी 3ab² ये बात बन गई। तो अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू मिल जाएगी कैसे, देखो cos x = 1 - cos²x। ठीक है, cos x = 1 - cos² यानी कि sin²x। ठीक है, तो इसे साइड कर लो, sin²x, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ किसकी वैल्यू, मैं चाहता हूँ sin²(x+sin²)(4x) इसका मान। तो देखो sin²(x) बराबर कौन है, कॉस के, तो ये किसके बराबर है, ये कॉस के बराबर है, cos x + sin²(4). अब जो sin²(x) के बराबर, कॉस के बराबर है, तो sin²(4) करेंगे तो cos² के बराबर होगा। ठीक है,
अच्छा साइन कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पहले से बन था, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, पहले से बनी होगी। इसका मतलब अगर ये बने तो साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4x बराबर बनी होगा। तो अगर वन होगा तो ये इसकी पावर 1 की पावर 3 माइनस एक, माने 1 माइनस 1 मतलब 0, तो आंसर 0 होगा इसका। ठीक है, तो बस ये जो लंबी सी इक्वेशन ऐसे मिले ना पावर बारह बारह, तो साइन का हो तो साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 की पावर 3 होगी। ठीक है, कॉस में होगा तो कॉस की पावर 3 होगी। फिलहाल क्या होगा, 0, यानी कि आंसर होगा थर्ड। sec x प्लस टेन एक्स, sec थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना है, √3, और थीटा की रेंज दी है 0 से 90। ठीक है, अच्छा ये √3 है तो आप जानते हैं जब sec प्लस टेन √3 है तो sec थीटा माइनस टेन थीटा ये कितना होगा, 1/√3 नहीं होगा, दोनों को जोड़ दो, 10 कट गया। अच्छा 10 तो चाहिए, चलो 10 मत काटो, 10 निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें 10 थ्री थीटा चाहिए, अच्छा थीटा निकालना पड़ेगा, कोई नहीं 10 काट दो, एक ही बात है। तो ये हो गया 2 sec थीटा बराबर, ये जोड़ो √3 का, √3 में 3 और 1, ये हो गया 4/√3, 2 से काट दो sec थीटा बराबर 2/√3, तो 2/√3 sec पे वैल्यू कहाँ होती है, थीटा बराबर 30 पे, और थीटा की वैल्यू 30 हो गई। अब पूछा किसके बारे में आपसे, पूछा है 10 3 थीटा, 10 3 थीटा, तो 10 3 थीटा और थीटा कितना है 30, तो हो गया 10/90। और 10/90 कितना होता है, इनफाइनाइट मतलब अपरिभाषित, वो लिख देते हैं इनफाइनाइट लेकिन वो अपरिभाषित होता है, इस पर मत चले जाना अनंत। ठीक है, ये था मतलब अपरिभाषित, मतलब वो अभी इंडिटरमिनेंट फॉर्म में अपरिभाषित है, 1/0 की फॉर्म आती है ना, तो अपरिभाषित में जाएंगे उसे लेके। ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2 × 2 × कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉट की वैल्यू ऐसा करो, इस 2 को तो इधर भेजो नीचे कैचे गुणा करके, तो इधर तो हो गया 1/2। ठीक है, 2 को तो हम इधर भेज देंगे, तो 1/2 ये हुआ कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन की जगह लिखेंगे साइन को क्या, 1 − cos² θ बराबर 1/2 है ना। तो देखो कॉस स्क्वायर ये हो गया, अच्छा माइनस माइनस प्लस के, तो हो गया 2, तो ये हो गया 2 cos² θ माइनस 1 = 1/2। 1 को भेजो उधर, 2 cos² θ बराबर इसको, एक तो है ये आधा पहुंचा, 1.5 मतलब 3/2 हो गया, तो cos² θ बराबर 3/4, cos θ बराबर स्क्वायर रूट करो √3/2, और √3/2 कॉस की वैल्यू कहाँ होती है, थीटा पे 30 पे होगी, तो थीटा 30 आ गया। पूछा क्या है, कॉट थीटा, अब कॉट थीटा मतलब कॉट 30, कॉट थीटा मतलब कॉट 30, तो कॉट 30 की बात अगर हम करें तो जो कि कितना होगा, 30 60 1/√3 होगा सीधे। ठीक है, यानी आंसर होगा टी। ठीक है, तो थीटा निकाल के अप्लाई कर देंगे अगला क्वेश्चन। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट, तो उस कॉट को ऐसा करते हैं कॉट में ही रहने देते हैं लेकिन 18 कर देते हैं। तो देखो ये तो कोसेक 18 है ही है, ये तो इसे छोड़ो, ये तो कोसेक 18 है, अब इसे पकड़ो 1/72, तो ये है 1/1/1 कितना, कॉट 72। अब पता है कॉट 72 को 90 से घटाएंगे ना, कॉट की जगह क्या होगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये होगा 10 स्क्वायर 18, अब नीचे 18 इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर 18 माइनस तो यही है क्योंकि पहले से क्या है वो 1/1/1 cot² 72, तो इसे 90 से घटाया 10 18 10 18 ऊपर ले गए cot 18, वो सीधे कॉपी होता रहेगा cos² θ, ये क्या होगा कॉपी। तो अब क्या होने वाला है, इससे बन जाने वाला है आपका फॉर्मूला। ठीक है, और आंसर होगा 1, क्योंकि cosec² θ माइनस cot² θ बराबर कितना होता है 1, लेकिन थीटा बराबर होना चाहिए ना। अब ठीक है 18 18 बराबर है तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देखो पहला तो पॉइंट इसने यही दे दिया, α+β = 90, α+β = 90, और क्वेश्चन क्या है ये देखो, 1 − sin² α, 1 − cos² α, 1 + cos² β, 1 + cos नहीं होगा, cot होगा, ये cos² β सही कर लेना इसे।
ये कॉस नहीं होगा, ये कॉट होगा, कॉट, ठीक है। और ये है 1 + tan² β। अब चेंज कर लेते हैं ना, देखो 1 - sin होगा cos² α इंटू 1 - cos क्या होगा sin² α इंटू 1 + cot क्या होगा cos² β इंटू 1 + tan क्या होगा sec² β, ठीक। अब cos² α इंटू sin² α इंटू 90 से घटाओ, 90 से घटाओगे ना, अल्फा बीटा जोड़ के 90 है तो अल्फा बीटा घटाओ तो अल्फा हो जाएगा, तो cosec का क्या होगा sec² α इंटू sec का क्या होगा cosec² α। तो cos का sec का 1/cos, cos से cos कटा, cosec का 1/sin, sin से sin कटा, आंसर कितना होगा 1, यानी कि पहला आंसर, ठीक है। साइन कॉस आपस में कट जाने वाले हैं, आंसर क्या होगा 1। अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, √3 tan α, √3 tan θ, √3 tan θ बराबर 3 sin θ, ठीक है। तो पूछा है sin² θ माइनस cos² θ, पूछा गया है sin² θ माइनस cos² θ किसके बराबर होगा, ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो या तो इसमें थीटा की ऐसी वैल्यू रख सके अगर हम लोग, तो वेरीफाई हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे 0 पे देखो, ये 0 होता है, ये भी 0, 0 पे 0 बराबर ही हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। लेकिन 0 0 पे ठीक है, दोनों साइड 0 होंगे, फिर यहाँ भी 0 0 का ऑप्शन नहीं है, बात बनेगी नहीं, ठीक है। 30 पे होगा 1/√3 1, और ये होगा 1/2 नहीं होगा। 45 पे 1/√2 नहीं होगा। 60 पे √3 का 3 होगा, 60 पे √3/2 नहीं होगा, और 90 पे ये 1 होगा, ये इनफाइनाइट नहीं होगा। तो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं, ऐसी वैल्यू मिल पा नहीं रही हमें, तो फिर अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें इसे बैलेंस कर पाए, हम बराबर कर पाए, ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही तो फिर अब इसे सॉल्व किए लेते हैं। तो चलो टेन को लिख दो √3 × sin θ/cos θ बराबर 3 × sin θ, sin θ से sin θ कट जाएगा, ठीक है, आपस में। तो अब क्या होगा, कॉस ऊपर 3 नीचे, तो cos θ बराबर √3/3, मतलब 1/√3। ट्राइंगल बनाओ, 90 θ 90, cos θ 1/√3, तो ये 1 है, ये √3 है, तो ये कितना है √2/√3² करो, 3 3 में से 1 गया तो 2 √2। अब sin θ sin² 2/3, sin² θ कितना 2/3, माइनस cos² θ 1/3, मतलब 1/3 घटा देंगे दोनों को आपस में, ठीक है। साइन की वैल्यू √3/√2/√3, कॉस की वैल्यू 1/√3, स्क्वायर करेंगे 2/3, 1/3, माइनस करेंगे तो 1/3 आपका आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला दिया है आपको, ठीक है, sin A+B, sin A+B, sin A cos B प्लस cos A sin B। अगर ऐसा है तो पूछा है sin 75 का मान, sin 75 का मान किसके बराबर होगा, तो इसको ऐसा कर देते हैं, अगर ऐसा करना है तो sin 45 + 30 हो गया 75, sin A cos B मतलब sin 45, sin 45 लगे 1/√2, cos B मतलब cos 30 मतलब √3/2 प्लस cos A मतलब cos 45 1/√2 इंटू sin B मतलब sin 30 1/2, तो कुल मिला के हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो आंसर हो गया √3 + 1/2√2, आंसर हो गया थर्ड, ठीक, ये आपका आंसर, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके कितने 67। तो आज हमारे क्वेश्चन यहीं पर रुकते हैं 67 पे, ठीक है। तो इतने आप तैयार करिए, 5-6 क्लास की पहले हो चुकी हैं, उन्हें तैयार कीजिएगा, और इसी तरह से हम पूरी बुक को सॉल्व करके चलेंगे, जिसमें से मैंने पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट करा दिया। अर्थमेटिक मतलब नंबर सिस्टम, पूरी यूनिट जिसमें नंबर सिस्टम है, औसत है, LCM SCF है, सरलीकरण है, घातांक करनी है, ये सारा रेशो पूरा खत्म,
यानी कि रेशो हो गया आपका, एज रिलेशन है, पार्टनरशिप है, और मिक्सचर एलिगेशन खत्म, परसेंटेज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सी आई एस आई डिस्काउंट पूरा खत्म हो चुका, स्पीड चाल दूरी नामधारा ट्रेन ब्रेन सब खत्म, ठीक है, वर्क एंड टाइम समय कार पाइप टंकी सब क्लियर हो चुकी है। तो ये सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है एप्लीकेशन के अंदर ही। इसके अलावा एडवांस में आपका एलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है और ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। तो इस पूरे बैच में आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो यहाँ व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ भी आपको करंट का कोर्स मिल जाने वाला है। तो फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, आज इतना ही।